अस्सलाम वालेकुम जी। इस दुआ के साथ कि जहाँ हूँ खुश हूँ अपने वर्क का स्टार्ट करती हूँ। तो आज संडे का दिन था और मैंने अपनी बेटी से फरमाइश की थी कि आज वो पैनकेक बनाए। वो बहुत अच्छे पैनकेक बनाती है, तो वो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और उसने पैनकेक बनाए थे। दो अंडे लिए थे। कभी कभी बच्चों को भी काम क्या देना चाहिए ना, इसलिए। और उसके बाद ऐसे सारी चीज़ें सामने रखी हुई हैं, तो अभी आहिस्ता आहिस्ता दिखाते जाएगी और डालती जाएगी। 1 टीस्पून आई थिंक उसने लिया था वनीला एक्सट्रैक्ट। स्पून ढूंढ रही है। 1 टीस्पून है ये। ओ सॉरी, 2 टी। टू टेबल स्पून कास्टर शुगर ली थी। बच्चे बहुत खुश हुए थे, बहुत अच्छे केक बने थे पैन केक। 2 टेबल स्पून कास्टर शुगर, 2 मशीन मेयरिंग मशीन पे कप रखे तो उसको माइनस करेगी, और इसके अंदर 200 फिर ml इसने मिल्क ऐड किया था, क्योंकि कप का वेट माइनस कर देते फिर वो बाकी चीज़ों का वेट अंदर आ जाता है ना। जो अंडा और वो लिया था वनीला से, उसके अंदर दूध डाल के मिक्स कर रही है। ये मिक्स हो गया, मिक्स मिक्स करेगी। वन एंड क्वार्टर कप इसमें डाला है प्लेन फ्लावर का, और अभी इसको अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि कोई लम्प्स ना बने। ये क्वार्टर कप है। वो अपने तरीके से बना रही थी जैसे उसको इजी लग रहा था। बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 more टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला, यानी कि 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल दिया। अब फ्राई पैन लेके तो उसमें थोड़ा सा बटर डाल के उसको जस्ट फ्राई पैन को बटर के साथ ग्रिस्ट करेंगे। ये देखें, किस मैंने ये देखा नहीं, ये नाइफ़ यूज़ करी है, इससे फ्राई पैन ख़राब हो जाता है हम ना। अगर बस होकर देखती तो इसको डांट पड़नी थी। अब ये डालती जाएगी और बनाती जाएगी। आग बिल्कुल स्लो रखी हुई थी ताकि बर्न ना हो। ये देखें जी, अभी देख के नीचे से जब इस टर्न करना होगा तो फिर नीचे से पहले देखेंगे और फिर टर्न करेंगे। ये देखिए, बहुत अच्छा सा पैनकेक रेडी हो गया, माशाल्लाह नाइस बन गए। ये 1 बाय 1, इस पेन तो इतना बड़ा है कि इसमें 2 रख सकती है, लेकिन उसको नहीं अच्छा लग रहा था तो वो जस्ट 1 बाय 1 छोटे छोटे बना रही थी, लेकिन 1 बाय 1 बना रही थी कि कोई शेप ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए। नाइस फ्लिप। और ये देखिए, जमी से हमारे पैनकेक रेडी हो चुके हैं। ये देखिए जी, बाजी ने दिल के लिए केक बनाए, पैनकेक बनाए हैं। दिल बहुत खुश हो रहा है, अभी खा रहा है। दिल जमी है जी।
Thank you, Baji. Thank you, Baji. It's tasty again.